नमस्कार, मेरा नाम अनीता रानी है। साइकोलॉजी और संस्कृत में मैंने स्नातक किया है और टीचिंग कोर्स के रूप में मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है। इस समय मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुल्तान कैथल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। ये स्कूल जो है कैथल शहर में है और कैथल शहर में मुख्यतः अंजनी माँ का टीला, रजिया बेगम का मकबरा और नवग्रह चौक बहुत ही प्रसिद्ध है। नवग्रह चौक के बारे में यह मान्यता है कि जब पुराने समय में जो कैथल शहर था उसमें प्रवेश करने के लिए 9 दरवाजे थे और 9 दरवाजे जो है उन्हीं को आज 9 गेटों के नाम से जाना जाता है, जैसे कोठी गेट, माता गेट, सीवन गेट एक्सेट्रा। तो इस समय मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कार्य कर रही हूँ। मेरे स्कूल में 99 बच्चे हैं और हम 5 शिक्षक वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 साल पहले मैंने स्कूल में प्रवेश किया था और मुझे जो कक्षा दी गई थी वो जो कक्षा में बच्चे जो है गणित और इंग्लिश में बहुत ही पीछे थे, उनका बेसिक बहुत ही वीक था। तो जब मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उनके रुचि के अनुसार अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए और उनको एक्टिविटीज के साथ जोड़ा तो वो बच्चे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते चले गए और उनके विषय पर पकड़ जो है वो मजबूत होती चली गई। श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चुना गया है इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। श्री अनुराग सर जो हमारे ट्रेनर हैं वो जो सेशन हमारा लगाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। इनके मैं अभी सेशन जो चल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है बुक सेशन। और इन सेशन में मैंने देखा है कि कैसे हम बच्चों को इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक सेशन हमारा चला है जिसके अंदर हमें जो है एज ए स्टूडेंट बच्चों की तरह उसके अनुराग सर इन्वॉल्व किया गया। ट्रेनर के रूप में हमारे अनुराग सर जो है एज ए टीचर उन्होंने ज्वाइन किया और हम बच्चों की तरह उन्होंने हमें पार्टिसिपेट करवाया। तो इससे मुझे पता चला कि कैसे मैं इस ऐप का प्रयोग कर सकती हूँ। जो NCF के बारे में NP के बारे में भी हमें एक सेशन के अंदर बताया गया। ZIIEI इनोवेशन पाठशाला, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे संसाधनों के अभाव में हम जीरो इन्वेस्टमेंट करके बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू कैसे हम काम करवा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्टिविटीज का प्रयोग करते हैं तो विषय वस्तु बहुत ही आसान हो जाती है और जब बच्चे जब किसी चीज को आसानी से कर लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लेते हैं। इंटरेस्ट जब क्रिएट हो जाता है तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाता है, बच्चे इंटरेस्ट लेके उस काम को करते हैं। इसमें एक सेशन हमारा जो था वो ICT का भी लगा था, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जिसके अंदर मुझे बहुत सी जो एप्स जो है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम ऐप, गूगल मीट और सिस्को वेबएक्स के बारे में बताया गया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया, इनके कितने स्किल्स हैं और स्किल हम यूज करते हैं तो हमें लर्निंग आउटकम हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसके बारे में भी हमें बताया गया। साथ ही एक जो गूगल मीट जो ऐप के बारे में मुझे बताया तो मैंने इसका प्रैक्टिकली भी प्रयोग किया। प्रैक्टिकली प्रयोग करने के बाद पहली बार जब मैंने इसका प्रयोग किया तो मेरी क्लास में 19 के दौरान तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए, सब बहुत खुश थे। जब मैंने क्लास लगाई तो वो थोड़ा टेक्निकली वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम दो बच्चों ने मेरी क्लास में अटेंड किया तो मैं बहुत खुश थी उस दिन। और बच्चों में एक्साइटमेंट भी था कि जैसे हम टीचर से मिल नहीं पाते हैं तो बाय मीटिंग के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाते हैं। तो धीरे धीरे अब मेरी क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ भी रही है और उम्मीद है मैं इस काम में और भी अच्छे से काम कर पाऊंगी। ये ZIIE जो प्रोग्राम है हमारा, इसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। इसलिए एक कॉन्सेप्ट जो मुझे अच्छा लगा वो है पाठ योजना वाला कॉन्सेप्ट। पाठ योजना, जब हम किसी पाठ की योजना बना रहे हैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको खोल के उसमें से हेल्प ले सकती हूँ और वो मुझे अच्छे से मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझे वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा पाठ की पुनरावृत्ति के लिए भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट डाले गए हैं, जैसे ग्रिड गेम है और सांप सीढ़ी है। इसमें हम पाठ की पुनरावृत्ति के समय बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करके उनका उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उनका ज्ञान बढ़ा भी सकते हैं। जब हम एक्टिविटीज का प्रयोग करते हैं तो एक्टिविटीज जो है बच्चों को बहुत आसान लगती है और बच्चे उसमें रुचि से भी भाग लेते हैं। बच्चे जिस काम को रुचि से करते हैं तो वो काम बहुत इजी हो जाता है उनके लिए और जब इजी हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में बैठ जाता है। जब हम कोई काम, अगर मैं अपना कोई काम उनकी इंटरेस्ट के साथ करवा रही हूँ तो ये उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा और मुझे उम्मीद है इस तरह से मेरे बच्चे स्टडी करते रहेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट कभी भी उलझेगा नहीं उनके माइंड में, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होगा और उनका विकास अच्छे से होगा जिससे उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।